शिखर पर जाने को मैं तैयार हूँ। नमस्कार फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका। मैं उमर इवान खड़े संस्कृत भाषा में आपके लिए एक नया चैप्टर लेकर के आया हूँ। आज हम पढ़ने वाले हैं संस्कृत में संस्कृत व्याकरण को पढ़ने वाले हैं। किसको पढ़ने वाले फ्रेंड्स? संस्कृत व्याकरण को पढ़ने वाले हैं। संस्कृत व्याकरण पढ़ने वाले हैं तो आपको बेसिक इसका थोड़ा सा बता देते हैं। संस्कृत व्याकरण की बात हो रही है, संस्कृत व्याकरण की हम बात करते हैं, थोड़ा बेसिक जान लेते हैं। जो संस्कृत व्याकरण है, व्याकरण शास्त्र कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? व्याकरण शास्त्र के आदि वक्ता कौन है? ये पहला क्वेश्चन बनता है यहाँ से। व्याकरण शास्त्र के आदि वक्ता कौन है? कौन है भैया व्याकरण शास्त्र के आदि वक्ता? कौन है? ब्रह्मा जी। कौन? संस्कृत व्याकरण की बात हो रही है, अर्थात व्याकरण शास्त्र के आदि वक्ता कौन? ब्रह्मा जी। दूसरा, व्याकरण शास्त्र के जनक कौन? व्याकरण शास्त्र के जनक भैया, व्याकरण शास्त्र के जनक किसे कहा जाता है? पता है आपको किसे कहा जाता है? पाणिनी को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? पाणिनी को कहा जाता है। और आगे बढ़ते हैं, देखो फिर संस्कृत व्याकरण के, व्याकरण शास्त्र के त्रिमुनि कौन भैया? त्रिमुनि कौन कौन थे भैया? सबसे पहले कौन? पाणिनी। उसके बाद आते हैं कात्यायन, और अंत में आते भैया कौन? पतंजलि। सबसे पहले आएंगे कौन? पाणिनी, दूसरे कात्यायन, तीसरा पतंजलि। जो पाणिनी है ना भैया, इनकी रचना का नाम क्या था? अष्टाध्यायी था। पाणिनी की रचना का नाम क्या? अष्टाध्यायी। दूसरे थे हमारे कात्यायन, कात्यायन की रचना का नाम क्या? वार्तिक। और तीसरे थे भैया हमारे पतंजलि, और पतंजलि की रचना का नाम क्या था भैया? महाभाष्य। अब इन्हीं की बात हो रही, सबसे पहले कौन सा पढ़े हमने? पाणिनी, दूसरे कात्यायन, तीसरे पतंजलि। अब ये तीनों के नाम पढ़ लिए भैया, तो कात्यायन भैया इनका अन्य नाम पूछा जाता है वररुचि। क्या पूछा जाता है भैया? वररुचि करके इनका अन्य नाम पूछा जाता है। पाणिनी व्याकरण शास्त्र के त्रिमुनि में सबसे पहले किसका नाम आएगा? पाणिनी का नाम आएगा। पाणिनी की रचना क्या? अष्टाध्यायी। दूसरे कात्यायन या वररुचि, और वररुचि की रचना का नाम क्या भैया? वार्तिक। तीसरे पतंजलि, और पतंजलि की रचना का नाम क्या भैया? महाभाष्य। क्या नाम है भैया? महाभाष्य। फिर इससे थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, इससे थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो देखो सबसे पहले कौन सा ग्रंथ लिखे भैया हमने? पाणिनी का अष्टाध्यायी लिखे। तो पाणिनी के अष्टाध्यायी में श्लोकों की संख्या, पाणिनी के अष्टाध्यायी में श्लोकों की संख्या कितनी होती भैया? 3983 है। लगभग में कितनी होगी भैया? 4000। दोनों आंकड़े याद रखना है। कितने? दोनों आंकड़े याद रखना है। पाणिनी की अष्टाध्यायी, पाणिनी की रचना अष्टाध्यायी में श्लोकों की संख्या कितनी होती है भैया? 3983 है। लगभग में कितने होंगे भैया? 4000। यहाँ तक तो हमको बेसिक पता होना चाहिए। मैंने इससे पहले वाली वीडियो में आपको महेश्वर सूत्र पढ़ा चुका था। महेश्वर सूत्र हमने पढ़ लिए थे, तो इससे आगे हमको पढ़ना। देखो महेश्वर सूत्र से मैंने आपको स्वर, व्यंजन, सभी प्रकार, कितने प्रकार के व्यंजन होते हैं, सब कुछ बनाना सिखाया था। अब हम चलते हैं, देखो एक बार और बात करते हैं। जब महेश्वर सूत्र सीख गए, महेश्वर सूत्र की बात कर लेते हैं, एक बार रिपीट कर लेते हैं। कितने होते भैया महेश्वर सूत्र? 14 होते। कितने होते हैं? 14। महेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी होती है? 14 होती है। महेश्वर सूत्रों की संख्या होती है जो पहले चार सूत्र हैं, सूत्र क्रमांक 1 से 4 तक किनका निर्माण होता है भैया? स्वरों का निर्माण होता है। सूत्र क्रमांक 5 और 6 से किसका निर्माण होता है? देखो 1 और 4 से किसका निर्माण होगा? स्वर, अर्थात अच का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? अच का। फिर भी ये क्या आता है हमारा सूत्र क्रमांक 5 और 6, इनसे कौन से? अंत्यस्त व्यंजन का निर्माण होता है सूत्र क्रमांक 5 और 6 से। सूत्र क्रमांक 7 भी ये क्या कहलाता है हमारा? नासिक के व्यंजन कहलाता है। क्या कहलाता है? नासिक के व्यंजन कहलाता है।
फिर सूत्र क्रमांक 7 से 12 तक किसका भैया? स्पर्श व्यंजनों का निर्माण होता है, स्पर्श व्यंजनों का निर्माण होता है। और अंत में आता भैया हमारा सूत्र क्रमांक 13 और 14। सूत्र क्रमांक 13 14 से संघर्षी व्यंजन बनते भैया, क्या बनते हैं? संघर्षी व्यंजन बनते। समझ आया? सूत्र क्रमांक 13 और 14 से क्या बनेगा भैया? संघर्षी व्यंजन। इतना हमको याद रखना, क्लियर हुआ इतना? अब इतना क्लियर हुआ, हम बढ़ते भैया थोड़ा और आगे। अब हम वास्तव में आते कहाँ पर? स्वर पे। ध्यान रखना, स्वर को क्या कहा जाता है? अच कहा जाता है, और व्यंजन को कहा जाता है हल। व्यंजन को क्या कहा जाता है भैया? हल। ये चीज़ तो हमको बेसिक पता होना ही चाहिए, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं हम स्वरों की, मिटा दे रहा हूँ, वीडियो पॉज करके लिख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं हम। आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले किसकी बात कर रहे हैं भैया? स्वर। स्वर अर्थात क्या होता है भैया? संस्कृत में स्वर को क्या कहेंगे हम? आज अब स्वर की बात कर रहे हैं। संस्कृत में स्वरों की संख्या कितनी होती भैया? तो कितनी होती है? 9 होती है। कितनी होती भैया? 9 होती है, अर्थात नव स्वर होते हैं। कितने स्वर होते हैं भैया? नव स्वर होते हैं। कौन कौन से होते हैं? आ, ई, उ, री, ली, ए, ए, ओ, और कितने भैया? 9 स्वर होते हैं। आ, ई, उ, री, ली, ए, ऐ, ओ, और 9 स्वर हो गए। कितने स्वर? 9 स्वर। आगे बात करते हैं भैया, देखो स्वर में ही हम आगे बढ़ रहे हैं। अभी तो ये क्या है, सिर्फ स्वर लिखे हमने। स्वर लिखे तो ध्यान रखना व्यंजनों की संख्या कितनी होती है। क्या चल रही है हमारी? वर्णमाला करके इसको याद कर सकते हैं आप, ठीक है। व्यंजन, व्यंजन अर्थात क्या कहेंगे हम इसको? हल। व्यंजनों की संख्या कितनी होती भैया? 33 होती। कितनी होती हैं? 33 होती हैं। 33 व्यंजन बता दिया तुमने सबसे पहले आपको। स्पर्श व्यंजन कितने? 25। उसके बाद आएंगे हमारे अंत्यस्थ व्यंजन, कितने? 4। और अंत में संघर्षी व्यंजन कितने भैया? 4 हो गए। 33 व्यंजन और 9 स्वर। 33 व्यंजन और 9 स्वर कितना हुआ भैया? कितना हुआ? 42। और प्रत्याहारों की संख्या भी कितनी होती भैया? 42। संस्कृत व्याकरण में प्रत्याहारों की संख्या कितनी? 42 होती है। संस्कृत व्याकरण में प्रत्याहारों की संख्या कितनी होती भैया? 42 होती है, ठीक है। आगे बढ़ते, ध्यान रखना जब भी पूछा जाए संस्कृत व्याकरण में कितने प्रत्याहार होते हैं, तो 42 प्रत्याहार होते हैं। एक और यहाँ पर ध्यान रखिएगा, पाणिनि के अनुसार या महेश्वर सूत्र के अनुसार कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है? यहाँ पे लिख देता हूँ, पाणिनि के अनुसार या महेश्वर सूत्रों के अनुसार कुल वर्णों की संख्या, कुल वर्णों की संख्या कितनी होती भैया? 63 या 64 होती भैया, याद रखना। कितनी होगी? या तो 63 होगी या तो 64 होगी, पाणिनि के अनुसार या संस्कृत व्याकरण के अनुसार महेश्वर सूत्र के अनुसार कुल वर्णों की संख्या कितनी होगी भैया? 63 या 64 होती है। यहाँ तक याद रखना है अपना, कहाँ तक? यहीं तक ही याद रखना, और इसके आगे कुछ याद ही नहीं रखना, बहुत ही सरल है। देखो स्वर बोला जाए तो सिर्फ 9 होते हैं, व्यंजन बोले जाए तो 33 होते, दोनों को जोड़े कितना हो गया? 42। और प्रत्याहारों की संख्या कितनी होती भैया? कुल 42 होते प्रत्याहार। आगे बढ़ते, पाणिनि के अनुसार या महेश्वर सूत्र के अनुसार कुल वर्णों की संख्या कितनी होती भैया संस्कृत व्याकरण में? 63 या 64 होती, लिख लीजिएगा। आगे बढ़ते, मिटा रहा हूँ मैं इसको, वीडियो पॉज करके लिखना है हमको। हम कम समय में अधिक से अधिक आपको देना चाहते हैं, इस वजह से वीडियो को हम बार बार जल्दी जल्दी आपको बोल रहे हैं कि वीडियो पॉज करें और लिखते हैं करके। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद आगे करके लिखिएगा। फिर से आप आते हैं, हम किस पे? स्वर पे आते हैं। स्वरों की संख्या कितनी है? 9 भैया। कौन कौन से? आ, ई, उ, री, ली, ए, ऐ, ओ, कितने भैया? 9 स्वर हो गए। अब ये जो 9 स्वर है ना, इनको भैया पहले दो भागों में बांट दो।
हस्व स्वर या मूल स्वर, और ये जो चार है ना भैया कौन से स्वर कहलाएंगे इनमें? दीर्घ स्वर। कौन से स्वर कहलाएंगे? दीर्घ स्वर कहलाएंगे। सबसे पहले मैं लेना चाहूंगा कौन से स्वर को ध्यान देना है? हस्व स्वर। अब यहाँ पर ना स्वर्गों को हम दीर्घ करना सीखेंगे। किसको पहले? हस्व स्वर को दीर्घ करते हैं एवं हस्व स्वर को दीर्घ एवं लुप्त करना। हस्व स्वर को दीर्घ एवं लुप्त करना। ये देखना सबसे पहले आते हैं हस्व स्वर कौन कौन से, यहाँ पे लिखो हस्व स्वर कौन कौन से, आ ई ऊ री और ली, इतने ही तो है हस्व स्वर। इनको क्या करेंगे भैया? सबसे पहले अपन दीर्घ स्वर में कन्वर्ट करेंगे। हस्व से क्या बनाएंगे इनका? दीर्घ। आ का क्या हो जाता भैया? बड़ा होता है क्या? ये दीर्घ स्वर है। ई का क्या हो जाएगा? बड़ी हो जाएगा। ऊ का बड़ा वाला ऊ हो जाएगा। ऋषि का ये देखो दो रेप लग गई, कौन सा? बड़ा ऋषि हो गया। कौन सा वाला ऋषि हो गया? बड़ा वाला। और ये जो ली भैया इसमें भी दो ली की नीचे रा की रेप लग गई, ये भी क्या हो गया? बड़ा वाला ऋषि, बड़ा वाला ली हो गया। क्या हो गया? बड़ा वाला ली हो गया। आगे बढ़ते भैया दीर्घ के बाद क्या आएगा भैया? प्लुत स्वर होता है। अब प्लुत स्वर क्या होता है हम देखो, मैं यहाँ पर थोड़ा सा समझा देता हूँ। हस्व का अर्थ होता है एक मात्रा का समय। हस्व का अर्थ क्या होगा? सिर्फ एक मात्रा का समय। दीर्घ स्वर का अर्थ क्या होता है? दो मात्रा। देखो इसको गुरु से दर्शाया जाता है, इसको गुरु से दो मात्रा का समय। और जो प्लुत होता है ना भैया तीन मात्रा का समय। मतलब क्या? किसको कर रहे हैं प्लुत? हस्व को प्लुत कर रहे हैं। तो हस्व स्वर कौन सा है? आ। आ के साथ ऐसे तीन लिख देना है। ई के साथ क्या लिख देना है? तीन लिख देना है। ऊ के साथ तीन लिख देना है। ऋषि के साथ तीन लिख देना। और भैया जो ली है ना इसका प्लुत नहीं होता है। तो मतलब तीन को कैसे दर्शाएंगे? प्लुत स्वर को ऐसे दर्शाया जाता है संस्कृत। याद रखना है हस्व दीर्घ और प्लुत, ये तीनों चीजें हमको याद रखनी है। प्लुत का अर्थ आपको यहाँ पर नहीं पता होगा। प्लुत का अर्थ बोलते थे आपने सुने ना ओम, ओम का उच्चारण सुने होंगे ना। किसी को हम चिल्लाते राम, जो पीछे माँ खींचता चला जाता ना भैया जितना लंबा खींचेंगे वो क्या है? प्लुत कहलाएगा। मतलब किसी भी वर्ण को बोलने में तीन मात्रा का समय या तीन गुना समय लगता है या तीन गुना से अधिक समय लगता है तो वह स्वर प्लुत स्वर कहलाता है। ठीक है, यहाँ पर समझ आया ही। अब हम आगे बढ़ते हैं, इस पे चलते भी। अभी कौन से स्वर को देखे हमने? हस्व स्वर को दीर्घ एवं प्लुत बनाना। अब यहीं पे आगे देखते हैं, यहीं से कर देता हूँ। किसको? दीर्घ स्वर को प्लुत बनाना। दीर्घों को क्या करेंगे? प्लुत। दीर्घ और स्वर कौन से भैया ध्यान देना? दीर्घ स्वर कौन से हैं? ए आई ओ औ, इतनी ही है क्या भैया दीर्घ स्वर? और देखना भैया इनको प्लुत स्वर में कैसे बदलते हैं। ए है ना भैया, ए के साथ क्या कर देना है? यहाँ पर जो किए थे क्या लगा देना है? तीन लगा देना है। क्या लगा देना है? तीन लगा देना है। फिर आई के साथ क्या लगा देना है? तीन लगा देना है। ओ के साथ क्या लगा देना है? तीन लगा देना है। और औ के साथ भैया तीन लगा देना है। ये हो गए प्लुत स्वर, इतना ही तो याद रखना है। अब ध्यान रखिएगा, कभी भी ध्यान रखना कि यहाँ पर देखो हस्व को दीर्घ और प्लुत करेंगे तो जो ली है इसका प्लुत होता है क्या भैया? नहीं होता है। और ध्यान रखना दीर्घ स्वर को प्लुत तो बनाया जा सकता है लेकिन दीर्घ स्वर को हस्व स्वर नहीं बनाया जा सकता। हस्व से दीर्घ एवं प्लुत तो बनता है। बड़ा छोटे से बड़ा बन जाएगा लेकिन बड़े से छोटा बनेगा क्या भैया? नहीं बनेगा। ये चीज हमको यहाँ पे याद रखनी है। ठीक है, बता दे रहा हूँ ध्यान से याद रखना। ये लिख लीजिएगा, नोट करके लिखिएगा कि जो हस्व स्वर है तो उसको दीर्घ या प्लुत तो बनाया जा सकता है लेकिन दीर्घ स्वर को हस्व नहीं बनाया जा सकता। ये चीज हमको याद रखनी है। ठीक है, अब भैया हम चलते किस पर? व्यंजन पर चलते हैं। किस पर चलते हैं? व्यंजन पर चलते हैं। थोड़ा सा है व्यंजन, इसको मिटा दो, वीडियो पॉज करके लिख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, व्यंजन पर चलते हैं। किस पर चलना है हमको? व्यंजन पर चलना भैया, व्यंजनों की संख्या यहाँ पर ध्यान देना। क्या? व्यंजन पर चलते हैं हम। किस पर चलते हैं? व्यंजन पर चलते हैं। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले व्यंजन को कहा क्या जाता है? क्या कहा जाता है? हल कहा जाता है। व्यंजनों की संख्या कितनी होती है भैया?
33 होती है। कितनी होती है? 33 होती है। संस्कृत में से क्या कहेंगे? त्रयो तिंसत कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखना संख्या कितनी है 33। अभी बताया था स्पर्श व्यंजन कितने होंगे? स्पर्श व्यंजन होंगे भैया आपके कितने? 25 होंगे। कौन कौन से? का, ख, ग, घ, इंग, च, छ, ज, झ, इय, ट, ठ, ड, ढ, अण, त, थ, द, घ, न, प, फ, ब, भ। कितने भैया? 25 हो गए स्पर्श व्यंजन। उसके बाद कौन सा व्यंजन आता है भाई? अंत्यस्थ व्यंजन आता है। कौन सा व्यंजन आता है? अंत्यस्थ व्यंजन आता है। इनकी संख्या कितनी भैया? 4। कौन कौन से? या, रा, ला और वा। भैया बात करते हैं हम कौन से व्यंजनों की? अंत्यस्थ व्यंजनों की। भैया अंत्यस्थ व्यंजनों की संख्या भी कितनी है? 4 है। कौन कौन से? या, रा, ला और वा। इनकी संख्या कितनी होगी? 4। देखो दो प्रकार के हुए, तीसरे प्रकार पे चलते। कौन सा? संघर्षी व्यंजन। कौन सा व्यंजन भैया? संघर्षी व्यंजन। इनकी संख्या कितनी होती है? 4 होती। कौन कौन से? श, श, श और होते ना 4। श, श, श और समझ आया? देखो स्पर्श व्यंजन कितने? 25। का से लेकर के मा तक। अंत्यस्थ व्यंजन 4, या, रा, ला, वा। संघर्षी व्यंजन 4, श, श, श। ये हो गए ना 33। जोड़ लो 25, 4, 29 और 4 33 व्यंजन हो गए। कुछ ही तो याद नहीं करना, बहुत ही तो सरल है। अब भैया हम यहाँ से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। व्यंजन क्लियर हुए? इतना ही याद रखना है व्यंजन में, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है इसमें। और थोड़ा सा बता देता हूँ मैं, व्यंजन के बारे में बात कर ही रहे हैं तो बता देता हूँ। देखो सिर्फ बोला जाए व्यंजन तो कितने होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। पहला स्पर्श, दूसरा अंत्यस्थ, तीसरा संघर्ष। अब इसी में थोड़ा सा और बता देता हूँ, आगे मिटा दूँगी, लिख लीजिएगा ठीक। यहीं पर कर देता हूँ मैं। यहाँ अभी कहाँ तक हो गया हमारा? संघर्षी व्यंजन तक। अब देखो भैया इसमें ना एक और होता है हमारा, नासिका वर्ण कहलाता है। क्या कहलाता है? नासिका या नासिक के व्यंजन। इनको भैया मैं यहाँ नंबर दे देता हूँ, 1 नंबर 2 नंबर और 3 नंबर। इसको नंबर से इनके साथ नहीं पढ़ना, इसको अलग से पढ़ना, मैं स्टार बना देता हूँ। ध्यान देना इनकी संख्या कितनी होती है? 5 ही। देखो ना स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत ही आता, लेकिन अलग से भी पढ़ा जाता है इसको नासिका व्यंजन करके। कौन कौन से? इंगा, इया, अणा, ना और मा। तो ये जो कचर तक की पांचवी लाइन होती है ना, ये वाली देखो इंगा वाली, इंगा, इया, अणा, ना और मा, ये क्या कहलाती भैया? नासिका या नासिक के व्यंजन कहलाती। क्या कहलाती? नासिक या नासिक के व्यंजन। इंगा, इया, अणा और ना और मा। समझ आया यहाँ तक? यहाँ से थोड़ा और आगे बढ़ते देखो, यहाँ से देखो। अब इसमें तो ज़रूरत नहीं पड़ती, फिर भी पता होना चाहिए। जैसे हम बहुत सी चीज़ें पढ़ते हैं ना, ये संयुक्त व्यंजनों का हमको बहुत काम पड़ता है ठीक है। जैसे हम छंद पढ़ेंगे उसमें तो इसमें संयुक्त व्यंजन कितने होते भैया? संयुक्त व्यंजन ये संस्कृत में 3 ही होने चाहिए, लेकिन अपन को पूरा जितना हिंदी में भी कितना होता है? 4। ये पूछे नहीं जाते संयुक्त व्यंजनों से, लेकिन कितना? 4 देखते हैं। 4 कौन कौन से भैया? छ, त्र, ग्य और स। सबसे पहले छा कैसे बना है? आधा का प्लस सा से क्या बनता भैया? छा बनता है। फिर दूसरा देखो त्रा कैसे बना है? आधा ता प्लस रा से बना है। ग्या कैसे बना है? आधा जा प्लस यहाँ से बना है। और अंतिम में सा, आधा सा प्लस रा से बना है। इनको याद करना ही है हमको, इनको अनिवार्य रूप से हमको याद करना है ठीक है। इतना लिख लीजिए जल्दी से, वीडियो पॉज करके थोड़ा सा और आगे पढ़ते हैं इसमें वर्णमाला में। कल मैं आपको ना भैया अगले वीडियो में, हम ये वाला वीडियो अंत तक देखना है पहली बात तो। इसमें तो सबसे जरूरी अभ्यंतर प्रश्न और बाह्य प्रश्न, अभी हमारा वर्णमाला का सबसे जरूरी चैप्टर रह गया, वो इसमें आगे पढ़ाने वाला हूँ मैं, वो इसमें आगे पढ़ाने वाला हूँ। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं हम किस में ठीक है। अब हम चलते हैं वर्णमाला पे, इसको पढ़ लेंगे अभ्यंतर बाह्य प्रश्न के बाद क्या पढ़ेंगे? हम वर्णमाला पढ़ेंगे भैया ठीक है। हमारे साथ बने रहिए वीडियो के अंत तक, ध्यान दीजिएगा ठीक। आगे बढ़ते हैं, वीडियो पॉज करके लिख लेना है हमको ठीक। अब भैया हम पढ़ते क्या? अभ्यंतर प्रश्न
और दूसरा वाह्य प्रत्न, अभ्यंतर प्रत्न और बाह्य प्रत्न। ध्यान रखना भैया, अभ्यंतर प्रत्न है ना, अभ्यंतर प्रत्नों की संख्या कितनी होती है? 5 होती है। अभ्यंतर प्रत्नों की संख्या 5 और बाह्य प्रत्नों की संख्या कितनी होती है भैया? 11। अभ्यंतर प्रत्नों की संख्या कितनी? 5, बाह्य प्रत्नों की 11। पहले हम पढ़ेंगे कौन सा? अभ्यंतर प्रत्न। पहले कौन सा पढ़ रहे हैं? अभ्यंतर प्रत्न। अभ्यंतर प्रत्न कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के। उधर को लिखा है सबसे पहले क्या आता है भैया इसमें? स्पष्ट आता है। और जो स्पष्ट आता है इसमें क्या आते हैं? सभी के सभी। क्या? स्पर्श व्यंजन आते हैं। स्पर्श में क्या आएगा भैया? सभी के सभी स्पर्श व्यंजन आएंगे। क्या आएगा स्पष्ट में? सभी के सभी स्पर्श व्यंजन आएंगे। दूसरा आता भैया हमारा ईषद स्पष्ट। ईषद स्पष्ट। और जो हमारा ईषद स्पष्ट है ना भैया, इसमें सभी के सभी कौन से? अंत्यस्त व्यंजन आते। कौन से? अंत्यस्त व्यंजन आते। बहुत ही सरल, कुछ भी नहीं है। तीसरा होता है हमारा ईषद विवृत। और ईषद विवृत में आते हमारे सभी संघर्षी व्यंजन। चौथा होता है भैया विवृत। और विवृत में आते हमारे सभी क्या? 9 स्वर। सभी 9 स्वर। क्या आते भैया सभी हमारे इसमें? 9 स्वर आते। और अंतिम पांचवा होता है हमारा संवृत। क्या होता है? संवृत होता है। और संवृत में सिर्फ कौन सा? छोटा वाला आ आता है। छोटा आ आता है। इतना ही तो याद रखना है। स्पष्ट आएगा तो सिर्फ क्या? स्पर्श व्यंजन। ईषद स्पर्श में अंत्यस्त व्यंजन। ईषद विवृत में संघर्षी व्यंजन आते। विवृत में सभी 9 स्वर। और संवृत में सिर्फ क्या आता भैया? छोटा वाला। क्या आता है? छोटा वाला आता है। अब चलते हैं हम भैया किस पे? वाह्य प्रत्न। किस पे चलेंगे? वाह्य। इनकी संख्या कितनी भैया? 9। इनकी संख्या कितनी? 9 सॉरी, बाह्य प्रत्नों की संख्या कितनी होती भैया? 11 होती। बाह्य प्रत्नों की संख्या कितनी? 11। देखो पहले इसको क्लियर कर लो। स्पष्ट, स्पष्ट के साथ देखो, स्पष्ट व्यंजन आधा सा स्पर्श व्यंजन होता है, इससे पहले पहचान जाना चाहिए। अब स्पर्श व्यंजन आगे देखो क्रम क्या पढ़ाया मैंने। स्पर्श व्यंजन के बाद अंत्यस्थ व्यंजन, अंत्यस्थ व्यंजन के बाद संघर्षी व्यंजन, यही क्रम में तो पढ़ते हैं। तो पहला मतलब स्पष्ट है तो स्पर्श व्यंजन, दूसरा ईषद स्पष्ट है तो अंत्यस्थ व्यंजन, तीसरा ईषद विवृत है तो संघर्षी व्यंजन, और चौथा ईषद चौथा विवृत है तो सभी 9 स्वर, और संवृत है तो सिर्फ आता है। हम चलते हैं बाह्य प्रत्न। बाह्य प्रत्न की संख्या कितनी? 11। कितनी होती है भैया? 11 होती है। सबसे पहले क्या आएगा? दीवार। दूसरा संवार। तीसरा भैया श्वास। चौथा नाद। पांचवा घोष। छठवा अघोष। सातवा अल्पप्राण। आठवा महाप्राण। नौवा उदांत। दसवा अनुदांत। और भैया 11वां होता है क्या? सॉरी, कितने होते भैया बाह्य प्रत्न? 11। पहला साथ में बोलते जाना है, बोलना है साथ में। पहला विवार, दूसरा संवार, तीसरा श्वास, चौथा नाद, पांचवा घोष, छठवा अघोष, सातवा अल्पप्राण, आठवा महाप्राण, नौवा उदांत, दसवा अनुदांत और 11वां सॉरी। पहला विवार, दूसरा संवार, तीसरा श्वास, चौथा नाद, पांचवा घोष, छठवा अघोष, सातवा अल्पप्राण, आठवा महाप्राण, नौवा उदांत, दसवा अनुदांत और 11वां क्या भी सॉरी। क्लियर हुआ? पहला विवार, दूसरा संवार, तीसरा श्वास, चौथा नाद, पांचवा घोष, छठवा अघोष, सातवा अल्पप्राण, आठवा महाप्राण, नौवा उदांत, दसवा अनुदांत और 11वां सॉरी। इतना ही बोलना, एक बार और बिना देखे, अब बिना देखे कोशिश करिए थोड़ा समय साथ। पहला श्वास, पहला विवार सॉरी, पहला विवार, दूसरा संवार, तीसरा श्वास, चौथा नाद, पांचवा घोष, छठवा अघोष, सातवा अल्पप्राण, आठवा महाप्राण, नौवा उदांत, दसवा अनुदांत और 11वां सॉरी। तो भैया ये हमारी सामान्य वर्णमाला हुई। अब कल में ना आपको ना
जितने भी वर्ण हैं उनके उच्चारण स्थान सिखाऊंगा अगले वीडियो में। उच्चारण स्थान तो वीडियो देखना ना भूलें। उच्चारण स्थान क्या? संस्कृत में उच्चारण स्थानों के सूत्र, जितने भी प्रकार से हम जो भी अल्प प्राण महाप्राण, कौन से वर्ण होते कौन से नहीं होते, अंत्यस्त व्यंजन, संघर्ष व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, सभी प्रकार के व्यंजनों का उच्चारण स्थान विकल हम अगली वीडियो में किए। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो थोड़ा बहुत भी पसंद आया हो, आपके काम की जानकारी मिली हो, तो नीचे जो लाइक का बटन है उसको दबाएं, वीडियो को सब्सक्राइब करें और जो घंटे की बटन है उसको, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों परिजनों तक शेयर करना।